नमस्कार, मैं विश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद देश के एक और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया रूप निखर गया है। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे 200 संतों और 60,000 लोगों की मौजूदगी में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार हुआ। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 1,00,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। उनकी पार्थिव देह को आखिरी विदाई के लिए यहां के मेला ग्राउंड ले जाया गया। दोपहर 3 बजे तक यहां आम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। प्रधान न्यायाधीश उदय यू ललित ने 10:15 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया। रोजर बेनिया 18 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की एजीएम में आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे। बेनी पिछले 3 वर्षों से बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं होगा क्योंकि सभी उम्मीदवारों को सर्वसम्मति से चुना गया है। मेरठ में मंगलवार को मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे मोदी नगर की ओर जाने वाली रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट OHE वायर टूटने से करीब 2.5 घंटे तक इस रूट पर कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करने और निवेश डेस्टिनेशन के रूप में भारत की खूबियां गिनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण US में कई बैठकों में भाग लेंगी। वह उद्योग जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगी। भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर के लिए नामित की गई गुजराती फिल्म छेलो शो के चाइल्ड एक्टर राहुल कोहली का निधन हो गया। राहुल का निधन कैंसर के चलते हुआ है। राहुल को ल्यूकेमिया नामक कैंसर था। फिल्म में भाविनी रबारी ने लीड रोल प्ले किया था। अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म राम सेतु का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया। अनाउंसमेंट के बाद से ही यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। अभिषेक शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मणिरत्नम के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर फिल्म पोनियिन सेल्वन की बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई जारी है। न सिर्फ देश भर में बल्कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर आंकड़े दर्ज करवा रही है। 30 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई देश और विदेश में नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी की नोटिस जारी किया है। साथ ही ईडी से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल इससे पहले हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एजेंसी की याचिका को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया गोपाल इचालिया की ओर से नीच कहे जाने पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने आप को जवाब देने के लिए कांग्रेस को भी लपेटा और कहा कि इस पार्टी ने उन्हें गाली देने का काम अब आउटसोर्स कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने वाले देश को भी सभ्य देश कहा जा सकता है। मुसलमानों को स्वयं ही एक पत्नी के रहते दूसरी से शादी करने से बचना चाहिए। श्रीलंका से भागकर भारत आने की चाहत में एक शख्स ने श्रीलंकाई अधिकारियों से बचने की कोशिश में समुद्र में कूद गया और करीब 8 नॉटिकल मील की दूरी तय करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। हालांकि भारतीय समुद्री तट पर पहुंचने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और उसके साथ पूछताछ की जा रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। जेपी की जयंती पर बिहार के सियासी संग्राम छिड़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज उनके गांव सिताबदियाड़ा पहुंचे, तो वहीं नीतीश कुमार नागालैंड के दीमापुर में उनके श्रद्धांजलि दिया। अमित शाह के दौरे को लेकर जदयू आक्रामक हो गई है, तो वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मसले पर नीतीश कुमार को घेरा है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अक्टूबर महीने में राज्य भर में लगातार बारिश होगी। दक्षिण पूर्व हवाओं के जरिए बिहार में नमी बरकरार है। यही वजह है कि बिहार में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच फिर से मॉनसून के लौटने की संभावना जताई गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताबदियाड़ा पहुंचे हैं। सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी ने कहा कि लोकनायक की पावन जयंती के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक से एक गैंडे के टकराने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रक ड्राइवर रैनो को बचाने के लिए लेन बदल रहा है। कप्तान अष्टम उड़ाव को वर्ल्ड कप खेलते नहीं देख पाएंगे उनके गांव के लोग शीर्षक को खबर प्रकाशित की थी, जिसमें की टीवी व्यवस्था कर दी गई है।
व्हाट्सएप आए दिन अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ता रहता है। इस फीचर्स की वजह से यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि कंपनी जल्द एक ही चैट ग्रुप में 1024 मेंबर्स तक को जोड़ने का सपोर्ट देने वाली है। NIA द्वारा जम्मू कश्मीर के रजौरी, पूंछ, श्रीनगर, पुलवामा, बड़गांव, शोपिया और बांदीपोरा जिलों में छापेमारी की गई। NIA द्वारा अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए मामला दर्ज किया गया था। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के डाभा केंद्र और आशाडीह में बांस के बनी सूप डलिया की मांग झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाजारों में काफी है। छठ पूजा पर इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। बांस से सुंदर और आकर्षक डलिया टोकरी बुनाई के लिए महिला परिवार प्रसिद्ध है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और ओडिशा FC के बीच मंगलवार को GRDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग का बहुचर्चित मुकाबला खेला जाएगा। 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स पर इसका प्रसारण किया जाएगा। जमशेदपुर FC के लिए चुनौती होगी कि टीम लंबे समय के बाद होम ग्राउंड में अपने दर्शकों के सामने खेलेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना है। सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई चीज ट्रेंड करता है यूथ उसे अपनाने लगते हैं। ऐसे में ही एक ट्रेंड है जिसका नाम है माउथ टेपिंग ट्रेंड। इसमें लोग अपने मुंह पर टेप लगाकर सो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे अच्छी नींद आती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 8 अक्टूबर 2022 को रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर धमाका होता है। धमाके में पुल का एक हिस्सा गिर जाता है। यह सैन्य रूप से कितना अहम है इसे रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमलों से समझ सकते हैं। कर्च ब्रिज का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। चुनाव आयोग से गदा सिंबल नहीं मिलने के बाद शिंदे गुट ने मंगलवार को 3 नए चुनाव चिन्ह की लिस्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक सूर्य पीपल का पेड़ और ढाल तलवार शामिल है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना बाला साहेबांची नाम दिया है। इसी नाम से पार्टी मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। यहां पर यात्रा को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब कांग्रेस की यात्रा के जवाब में राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने भी आज से 11 अक्टूबर को जन संकल्प यात्रा शुरू की है। इसका ऐलान कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद एक और गिरफ्तारी की है। मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक मानिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। ओडिशा सरकार ने मौसम कार्यालय की ओर से कोई पूर्वानुमान नहीं होने के बावजूद अपने अधिकारियों के अगले 2 महीने में संभावित चक्रवातों के लिए तैयार रहने को कहा है। मुख्य सचिव SSC महापात्र ने सोमवार को राज्य स्तरीय चक्रवात तैयारियों की बैठक में संबंधित अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय शर्मा, अखिलेश कुमार, असलम अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, भान प्रकाश मौर्य, नुनू कुमार, राकेश शर्मा, मुटू रंगीला और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा रहा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।